मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज आपको। आज हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, हमसे ये वाली वीडियो डिलीट हो गई थी। हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज हम लेके आ गए एक मजेदार सा यूनिक सा मेन्यू। तो आज के मेन्यू में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पास्ता है। ये है व्हाइट सॉस पास्ता और ये है रेड सॉस पास्ता। और साथ में हमने ले रखे हैं होममेड बने हुए चाउमीन, और साथ में थोड़े से चिप्स भी ले रखे हैं, और इधर बर्गर भी ले रखे हैं दो। और ये सभी चीजें हमने होममेड तैयार की है। खासकर ये क्रेडिट जाता है नैना को, जो कि सभी चीजें नैना ने ही तैयार की है। मोस्टली मैंने तो थोड़ी सी हेल्प ही की है। और ड्रिंक में हमारे पास 7 अप। तो गाइस, आज की मील बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज बनाया होममेड पास्ता और नूडल्स और बर्गर। तो गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है खाने में। तो फिर बिना किसी देरी के इस मजेदार सी मील को करते हैं एंजॉय, और आप भी प्लीज गाइस इस वीडियो को करना एंजॉय। तो फिर चलो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, करते हैं फिर स्टार्ट ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक से। चीयर्स चीयर्स गाइस। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो प्लीज ऊपर एसी की वॉइस को इग्नोर करना। तो फिर चलो करते हैं खाना स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं हमने ना किसे करना है, बर्गर से ही करते हैं ना। तो बर्गर से करते हैं स्टार्ट। चीयर्स। नैना सच में बहुत ही टेस्टी बनाई है बर्गर, काफी टेस्टी है। चिप्स की स्टफिंग कर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। सो गाइस, आपको बर्गर कैसे पसंद है, क्रिस्पी या सॉफ्ट सा, प्लीज कमेंट में बताना। बर्गर के साथ चिप्स हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना खा के, क्रंची क्रंची सा फील होता है, अच्छे लगते हैं चिप्स बर्गर के साथ। तो फिर कौन सा पास्ता खाया जाए पहले, आप बताओ कौन सा खाना चाहिए। मेरा तो वाइट सॉस पास्ता खाने का मन कर रहा है, देखते ये हैं। चीज ही है ना, ओके, इसमें चीज डाला है, इसमें चीज है, ठंडा होने के बाद फिर ये स्वाद नहीं लगेगा। तो गाइस देख सकते हैं टेक्सचर आप इसका। बहुत ही टेस्टी बना है। आई थिंक तुम्हें जल्दी खोलना पड़ेगा कुकिंग का चैनल, व्यूअर्स भी कह रहे हैं कि आप जल्दी खोलो, इतने कमेंट आ रहे हैं। गाइस, हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं डेली। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग कि नैना को कुकिंग का चैनल खोलना चाहिए। सो हम जल्दी कुकिंग का चैनल लेके आएंगे, बस आपने जबरदस्त सपोर्ट देनी है उसपे।
और कॉन्सेप्ट भी यूनिक सा होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी सा चल रहा है और सेटअप भी हमने लगाना है न्यू, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या बोल, ये थोड़ा सा ना स्पाइसी है। व्हाइट सॉस सस्ता क्यों इसमें? चिली फ्लेक्स है ना। अच्छा गाइस, नैना को चिलीज बिल्कुल नहीं पसंद, वो तो पानी पूरी में चिलीज पता नहीं कैसे खा ली इसने, बट मुझे तो चिली अच्छी लगती है। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है इसमें रेड चिली डाली हुई है। मुझे पता लग रहा है ज़्यादा डाले होंगे ना। बहुत ही टेस्टी होना है गाइस, अगर आप होते ना आप भी कहते क्या आप बना है पास्ता। गर्मी हो ही रही बहुत है, कुदरत पे किसका कंट्रोल। गाइस हमारी सिटी में तो 44 डिग्री चल रहा है, और आपकी सिटी में क्या टेम्परेचर चल रहा है? 44-45, बल्कि एसी भी नहीं काम कर रहे इतनी गर्मी में। तो गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज आपको, आज हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। हमसे ये वाली वीडियो डिलीट हो गई थी, तो हम ये वीडियो दोबारा से शूट कर रहे हैं। ये सब मैंने दोबारा बनाया है, ये दोबारा से बनाया है, दोबारा से इतनी मेहनत कुकिंग करके बनाया है, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गया था फोन से। हाँ तो फिर ये आज हम दोबारा शूट कर रहे हैं। सो गाइज आपने हमें पूरा सपोर्ट देना है, और हाँ गाइज आप वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। आप लाइक नहीं करते प्लीज उसको लाइक भी कीजिए। कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, हमें पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसके लिए थैंक यू। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, लाइक से हमें मोटिवेशन बहुत मिलती है कि आप हमें बहुत प्यार दे रहे हो। मेरी साइड ज़्यादा पास्ता रख देते हो हैं। तुम्हारी साइड क्यों ज़्यादा रखा है? मैंने सेम रखा है। मैं मोटी हो जाऊंगी। नहीं होती मोटी।
इसको थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं। अब खाएंगे रेड सॉस पास्ता। तुम जल्दी से खत्म करो, फिर स्टार्ट करते हैं रेड सॉस पास्ता। देखते हैं टेस्ट कैसा बना है इसका। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है रेड सॉस पास्ता खाने को। इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। तुम भी सेंटर में कर लो रेड सॉस पास्ता। तो गाइस अब खाने जा रहे हैं हम रेड सॉस पास्ता। बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी वाइट सॉस पास्ता के बाद, तो आपको दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है। मुझे स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। इसमें स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं, वाइट सॉस पास्ता में भी डाले हुए थे। स्वीट स्वीट सा फ्लेवर आता है ना जब स्वीट कॉर्न का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देख सकते हैं आप गाइस। तो फिर चलो करते हैं जल्दी से इसको टेस्ट। ये भी गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। जान तुम्हें कैसा लगा टेस्ट इसका? बहुत बढ़िया। व्हाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता दोनों ही बढ़िया है। नहीं एक बताओ ना, सबसे ज्यादा कौन सा बेटर लगा तुम्हें? मुझे रेड सॉस ज्यादा अच्छा लगा। ओके मतलब कि क्रीमी अच्छा नहीं लगता?
अच्छा था बट थोड़ा स्पाइसी था मेरे लिए, ये थोड़ा अच्छा स्वीट है मेरी तरह। बनाया तो तुमने ही था, धीरे तुम्हारी बोलो, अकड़ लगी। धीरे बोलो, बनाया तो तुमने ही था, मैंने थोड़ी बनाया था। स्पाइसी तो तुम ही बनाती हो। तुम्हारे लिए स्पाइसी बनाया था, मिर्च तो तुमने खुद ही डाली थी, कौन डालता मैं है। ध्यान में रख के डाली थी। मेरा पति स्पाइसी खाता है, व्हाइट सॉस पास्ता में कौन स्पाइसी डालता है, स्वीट एंड स्पाइसी। रेड में डालते हैं। शुक्र मानो पंजाबी तड़का नहीं मारा। हाँ कुछ और ही नाम हो जाता व्हाइट सॉस से उसका, व्हाइट सॉस पंजाबी तड़का, नई डिश ही बन जाती। नया आविष्कार, फिर लोग इसे दूर दूर से खाने आते मेरे पास। मैं भी बड़ा पाव वाली गर्ल की तरह फेमस हो जाती। पास्ता गर्ल, वो वड़ा पाव गर्ल थी, तुम मैं पास्ता पास्ता गर्ल बन गर्ल, जाती। पंजाबी पंजाब विद पंजाबी तड़का। तड़का, पास्ता गर्ल, वायरल पास्ता गर्ल, पास्ता का रास्ता। बाहर जाने का उधर है रास्ता, जिसको पसंद नहीं आया। पहले मुझे खाने दो फिर जाएंगे बाहर। चिप्स चिप्स चोर अपनी खाई खाई मेरी भी खा गए चिप्स। मेरी चीजों पे नजर है तुम्हारी खाने की है। सच्ची हो जाएगी वाकई में। रेड सॉस पास्ता भी बहुत टेस्टी बना हुआ है। चबा लो, चबा जाओ। गई मुंह चलता रहना चाहिए। तुम्हारा भी तो चल रहा है मुंह। मैंने दिए हैं, मुझे दिखा रहे हो।
तो अब फाइनली नूडल खाएंगे हम। इसका बंटवारा मत करो, इसको तो एक साथ खा लो। बंटवारा थोड़ी कर रहा हूँ इसको, पास्ता का तो बंटवारा इधर को कर रहा हूँ ना अपनी साइड पे, इजिली ऐसे खा लो, इजिली हो जाएगा ना। एक तो मैं लेफ्ट हैंड से खा रहा हूँ मजबूरन, ऐसे तुम्हारे कोनी ना बजे मुंह पे। मुझे व्यूअर्स ने भी इतनी बार कहा कि तुम लेफ्ट हैंड से क्यों खाते हो, ताकि मेरे मुंह पे ना लगे राइट हैंड। हाँ तभी गाइस अब देख लो आप खाने, ये इसलिए तो मैं खाता हूँ लेफ्ट हैंड से कि तुम बोल रही हो ऊपर से कि इधर को क्यों कर रहे हो। खा लो खा लो गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। इतनी बड़ी बाइट खाना चाहोगी? टेस्टी है। टेस्टी तो होंगे, खुद ने बनाया खुद की तारीफ तो करोगी, पर अच्छे बने वैसे। वेरी फनी। सो गाइज आज का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, हम तो हो चुके हैं फुल। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे जल्दी, जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। टिल टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।